नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, चाहे कुछ भी हो, तो आप बस अपनी जिंदगी खुशहाली से जीते जाओ और वो करो जो आपको पसंद हो। ये पोस्ट टीना डाबी ने अतर खान से अपने तलाक के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। हिंदू मुस्लिम मैरिज की वजह से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना ये मशहूर IAS कपल ज्यादा समय तक एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाया। टीना डाबी और अतर खान के तलाक को जयपुर की फैमिली कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दोनों ने 20 नवंबर 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। टीना डाबी ने IAS अतर खान से शादी की खबरों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। बता दें, अतर खान कश्मीर से हैं और टीना राजस्थान के जयपुर से, और दोनों की शादी कश्मीर में हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई थी इस कपल के रोमांस की शुरुआत और आखिर किन कारणों से हुआ इनका तलाक। टीना डाबी ने 2015 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में टॉप किया था। यहीं से IAS टीना हर अखबार की हेडलाइन बन गई थी। उसके बाद टीना डाबी ने एक और खबर दी जिससे सभी खुश थे और हैरान भी। दरअसल टीना डाबी अपने ही बैच के सेकंड टॉप पर रहे अतहर आमिर खान से शादी कर रही थी। माना जाता है कि टीना और अतहर ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। ये दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और फिलहाल जयपुर में पोस्टेड हैं। अपनी सगाई की खबर शेयर करते हुए टीना ने कहा था, मैं उनकी दृढ़ता के लिए उन्हें हर दिन धन्यवाद देती हूँ। वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं। हम बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने वाले हैं। इसके बाद कई लोगों ने कहा कि भले ही अतहर खान UPSC की दौड़ में डाबी से पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने उनका दिल जीत लिया। शादी के बाद से ही अतहर और टीना की जोड़ी चर्चाओं में आ गई। कई लोग इस जोड़ी से इंस्पायर होने की बात कह रहे थे, तो कईयों ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ इसे लव जिहाद का नाम दिया। पर प्यार में मग्न इस जोड़े ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अप्रैल 2018 में शादी रचा ली। दोनों का परवान पर चढ़ा प्यार ज्यादा समय तक लोगों को इंस्पायर नहीं कर सका और शादी के महज 2 साल बाद यानी साल 2020 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। IAS कपल के तलाक के फैसले की वजह हर कोई जानना चाहता है, पर दोनों की तरफ से ही संबंध में कोई विशेष वजह नहीं बताई गई। हालांकि तलाक की अर्जी से पहले ही दोनों के रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ रही थी और आखिर में 2020 में इन अफवाहों पर मुहर भी लग गई। दोनों ने शादी भी पहले कोर्ट में की थी और 20 दिन बाद में कश्मीर जाकर धार्मिक रीति रिवाज से शादी की गई। बता दें, अतहर आमिर खान से शादी के बाद टीना डाबी ने अपने सोशल मीडिया बायो में अपने सरनेम के साथ खान शब्द जोड़ लिया था और कश्मीरी बहू टैग भी किया था। हालांकि बाद में दोनों को ही हटा दिया गया। दोनों के रिश्ते में खटास आने के बाद टीना और अतहर ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। इस IAS कपल की स्टोरी ने जल्द ही दम तोड़ दिया, पर उनके काम को लेकर लोग उन्हें प्यार करते हैं। टीना डाबी और अतहर खान सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। टीना के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं अतहर के 502K फॉलोअर्स हैं। खैर, टीना डाबी और अतहर खान को जयपुर की फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स मिल गया है और अब दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए हैं। नमस्कार।